एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम चल रहे हैं कहीं घूमी। तो कहाँ चल रहे हैं आप लोग बने रहिएगा। तो हम जा रहे हैं आज अपनी आंटी के घर पे। हाँ, मैं किस पे बैठ गया तो वहाँ हम और अनिका जा रहे हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं। और जैसा भी होगा वहाँ पे शूट करेंगे, ब्लॉग काफ़ी अच्छा होगा मुझे जितना लग रहा है। तो बने रहिएगा चैनल पे, जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और पास में जो बेल आइकन है तो प्लीज़ उसे भी प्रेस करना ना भूलें। और मुझे कमेंट आया था कि दी आप अपने चैनल पे थैंक्स लगवा लीजिए, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि थैंक्स होता क्या है। तो मैंने इसके बारे में पता किया, तो मैंने लगा लिया है गाइस। तो जिसको मेरी हेल्प करनी है, अनिका की हेल्प करनी है, अनिका की पढ़ाई में हेल्प करनी है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जिसको करना है तो प्लीज़ करिएगा। तो बस यही बताना था आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट आए दी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, अनिका को कुछ देना चाहती हूँ। तो आप जो मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो वहाँ से थैंक्स के द्वारा मुझे आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस, बनी रहिए फिर। तो गाइस, हम हो गए हैं रेडी, और मैंने यही सूट डाल लिया क्योंकि बारिश का है मौसम, और बस अब निकलने ही वाले हैं हम घर से। तो फिर चलते हैं गाइस, बस निकलने वाले हैं हम अपने घर से। तो ये मैंने प्लाजो कुर्ती और पट्टा डाला है, आप लोगों ने इससे पहले भी ये सूट देखा है। और ये वाली एयरिंग्स पता है मुझे लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया थे, लेकिन मैंने उनको पहना नहीं था, आज नज़र में आ गई तो मैंने डाल लिया। कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मैं निकलती हूँ, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अनिका ये रहा छोटा सा रास्ता, तुम्हें पता नहीं है, फ़ोन कर ले। तो गाइस, हमें जहाँ आना था हम वहाँ आ गए हैं, हमें रास्ता नहीं पता है, लेकिन हम दूरते पहुँच जाएंगे। मुझे इतना पता है कि मैं चली जाऊँगी, क्योंकि फ़ोन लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा है। तो दिखाती हूँ आपको, ये साइड गया हुआ है अनिका, इस साइड, ये हाँ अनिका की देखो, इस साइड आ रही हैं भैया, दूड़ते दूड़ते आए हैं घर। अनिका खेलने तो गाइज, यहाँ पे हम आ गए अपनी आंटी के घर पे, और ये हमारी भाभी की भी आंटी हैं, यानी कि हम एक हिसाब से भाभी के मायके में आए हुए हैं। और ये रहे भैया, भाभी के बड़े वाले, और तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आए हुए थे। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और आप लोग भी पी लीजिए आके, ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, हम लोग घूमने भी गए, और तो प्लीज़ बने रहना एंड तक, और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम दूसरी बार आए हुए हैं, मतलब एक बार पूरी फैमिली के साथ में आए हुए थे रात में, तो रास्ता इतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए, किसी से पूछा भी नहीं और चले आए, और अच्छा लगा आके बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग दोपहर में पहुँचे थे आके, और रात तक हम रुके हैं, वही 7, 7:30, 8 बजे तक रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइज, हम लोग तो देखिए हमारी सेवा में कितनी चीज़ें आंटी ने बनाई, और मेरी फेवरेट चीज़ आलू की टिक्की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन वाली, वो भी आंटी ने बनाया। और खाने में पनीर और चावल, रोटी पूड़ियाँ मुझे पसंद नहीं, सब कुछ मेरी पसंद का बनाया था, और बहुत ही अच्छा खाना बना था खाके, मतलब बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा था सब्जी का। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने सूट भी करा और आप लोगों को दिखाने के लिए, और आंटी के मतलब घर के बाहर लगा के रखा है, पेड़ भी हैं बहुत सारे लगाए हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं। और व्यू काफ़ी खूबसूरत आ रहा था उधर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, गांव में इतनी शांति थी एकदम से, मतलब गांव को देख के ना मुझे अपनी ससुराल की याद आ गई। मेरे ससुराल में
ऐसी शांति रहती है। जहाँ मेरा गांव वाला घर है तो वहाँ भी सेम ऐसी शांति। तो यहाँ का देख के मुझे अपनी ससुराल की याद आ गई। तो यहाँ पे भैया और हम सभी लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, तो वही शूट कर रही थी। तो ये सब घर के पीछे लगा हुआ है, तो सब्जियां भी लगी हुई हैं, सारा कुछ आंटी लगा लेती हैं, और पेड़ वगैरह प्लांट वगैरह ये सारे सब कुछ लगे हुए हैं। फिर हम लोग निकल लिए खेतों की तरफ। भैया ने कहा चलो घुमा लाते हैं, तो भैया पीछे पीछे आ रहे हैं और हम लोग आगे आगे हैं। अनिका को देख लो, अनिका बहुत ज़्यादा खुश हैं। और तो यहाँ पे हम लोग रेलवे की तरफ जा रहे हैं उधर घूमने के लिए। तो और तो काफ़ी दूर था, हमने सोचा था 1 ही किलोमीटर होगा, लेकिन पैदल चलते चलते ना 3 किलोमीटर बराबर हम लोग चले, बहुत ज़्यादा थक गए, तब जाके रेलवे आया। तो चलिए गाइज, आप लोग भी देखिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फोटो शूट भी करवाए, और तो ये देख सकते हो क्या निकला था, ज़मीन में निकला था, तो मैंने इसको निकाल के वीडियो बनाया, कितना प्यारा लग रहा था, है ना। तो बिल्कुल नेचुरल, ये इसको पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, ज़मीन से निकल रहा था तो मैंने निकाला था इसे। फिर अब हम लोग यहाँ से जाएंगे दूसरी साइड और वहाँ पे भी फ़ोटो शूट कराएंगे। और अनिका बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं आके। और यहाँ पे एक ऊंचा सा टीला था मिट्टी का, तो मैंने सोचा यहाँ पे फ़ोटो शूट कराएंगे भैया के साथ में। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी बनवाई और फ़ोटो भी शूट किया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और तो यहाँ से अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में मतलब सभी लोग ढूंढते हुए एक एक पेड़ या जो भी जिसको मिलता था वो सब लोग निकाल रहे थे। फिर मुझे यहाँ पे बैंगन का खेत मिल गया, तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि बैंगन लगे हुए हैं। तो चलिए गाइज, आपको बैंगन का खेत दिखाते हैं और कितने सारे बैंगन लगे हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइज, बैंगन बैंगन के खेत में है हम, और बैंगन को कभी चोरी करके नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि बैंगन को कभी भी चोरी करके नहीं खाना चाहिए, तोड़ना चाहिए, नहीं तो मैं इसको तोड़ती, क्योंकि बैंगन को नहीं तोड़ा जाता है। बैंगन का ये खेत है, कितना बढ़िया है ना, ये देखिए। तो गांव में हर चीज़ आपको मिल जाएगी खाने को, और पूरा पसीना पसीना। तो गांव में आपको हर सब्जी मिल जाती है, एकदम से फ्रेश मिलती है ना। तो सभी के खेतों में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बैंगन भी छोटे छोटे से थे, बहुत ही प्यारे देखने में लग रहे थे, और बहुत ही बड़ा खेत भी था ये बैंगन का। फिर अब हम लोग यहाँ से जाएंगे घर की तरफ, और तो मैं आपको पूरा खेत दिखा रही थी। तो गाइज, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, जो जो लोग भी अनिका की हेल्प करना चाहते हैं या
और कुछ देना चाहते, क्योंकि कमेंट में आता है तभी मैं बोल रही हूँ कि दी मैं कुछ हेल्प करना चाहती हूँ अनिका की पढ़ाई के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूपी ब्लॉगर नेहा के नाम से है मेरी इंस्टा आईडी, तो उस पे जाके और मुझसे बात कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने अपने चैनल पे थैंक्स लगवाया है, तो थैंक्स लग गया है गाइज, आप उस पे जाके मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए कमेंट आया था दी आप अपने चैनल पे थैंक्स लगवा लीजिए और उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, और मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है गाइज, तो प्लीज़ मुझे वहाँ से भी हेल्प कर सकते हैं मेरी अनिका की पढ़ाई के लिए, या जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कद्दू, ये है लौकी, और फिर आपको हम दिखाएंगे कद्दू। तो चलिए हम आपको कद्दू भी दिखा देते हैं, लगा हुआ छोटा सा अभी फूल ही है, अभी बड़ा नहीं हुआ था, तो ये है नीचे कद्दू ऊपर फूल है। तो यहाँ पे घर आने के बाद मैंने हेयर कट किया है, तो मैंने हेयर कट किया, पहले भी मैंने इनका हेयर कट किया था बिट्टू का, तो इनका नाम बेबी है, तो इनके हेयर ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, पहले भी मैंने ही किया था, तो आंटी ने बोला कि आज भी कर दो, क्योंकि आंटी अकेले मतलब सुबह लंच वगैरह बनाती है तो उनको दिक्कत हो जाती है चोटी बनाने में, तो कह रही थी थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगी, तो ये ऐसे ही चिमटी लगा के इसे स्कूल भेज दूंगी, क्योंकि सुबह 6 बजे उसको जाना होता है स्कूल, बस आ जाती है उसकी। तो यहाँ पे तभी मैं हेयर कट कर रही थी, फिर अनिका की देखो क्या बनी हुई है, पत्ते को कटिंग करवा के अपने फेस पे लगवाई है, अनिका बहुत ज़्यादा इंजॉय करी, क्योंकि उनकी वो दीदी थी तो दीदी के साथ में बहुत ज़्यादा खेली भी हैं। तो यहाँ पे मैं हेयर कट कर रही हूँ और भैया बैठे हुए हैं, तो क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद आंटी ने बोला कि हम आप भुट्टा भूनते हैं और सभी लोग खाओ, तो नीचे मैंने देखा आंटी भुट्टा भून रही थी, तो मैं फटाफट नीचे आ गई सूट करने के लिए। तो यहाँ पे तसले में आंटी ने आग जलाई है और पंखे से ऐसे डुला डुला के और भुट्टा भून रही हूँ, बहुत ही टेस्टी यानी कि भुट्टा था, नींबू नमक लगा के हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा आके। और आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे सिंपल ब्लॉग हैं प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़, ऐसे मतलब साथ ना छोड़ा करो, बहुत बुरा सा लगता है ऐसा सोचने लग जाती हूँ कि ऐसी मेरे ब्लॉग में क्या कमी रह जाती है, जिससे कि पता नहीं, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं डेली ब्लॉग आप लोगों को देती रहूँगी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने भुट्टा खाया, फिर आ जाएंगे अपने घर। तो चलिए गाइज मैं आ गई अपने घर, नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में सारे कपड़े लेके बैठ गई थी अनिका के, और क्योंकि कपड़े गंदे कर दिए थे अनिका ने बहुत ज़्यादा, तो कपड़े थे तो मैंने सारे कपड़े धुल डाले। और फिर इसी के साथ में मैं ये ब्लॉग भी एंड करूँगी, आई होप आपको आज का भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, और ब्लॉग में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइज प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल डालूंगी और डाल दूंगी सुबह ही सुबह, मैंने क्योंकि मौसम तुरंत से बारिश का हो जाता है तो कपड़े सूखते नहीं हैं, और पूजा यहाँ पे सूट कर रही थी। तो गाइस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।